प्रिय मित्रों नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच एस रावत। आज मैं आपको जानकारी दूंगा, आज संक्रांति है, आज से शुभ कार्यों की शुरुआत हो चुकी है। आपको संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन मैंने पिछले एपिसोड में जानकारी दी थी कि ये संक्रांति कुछ बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है, जो आज संक्रांति है, दो दिन बाद देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे और जैसे ही वो अस्तवासा अवस्था से हटेंगे उसके बाद शुक्रदेव अस्त हो जाएंगे और शनि ऑलरेडी अस्त चल रहे हैं। यानी जो सूर्यदेव हैं, जो पिता का दर्जा जिनके पास है, पुत्र का दर्जा शनि के पास है, वो उनके घर में गए और जाकर के बेटे को अस्त कर दिया। अब बेटे को अस्त कर देना तो कहीं ना कहीं पारिवारिक कलह तो होंगी आगे चल के, वो जनता का कारक है, जनता को भी अस्त कर दिया है, तो इसका मतलब सरकार का कुचक्र कहीं ना कहीं जनता पे रहेगा और वो किसान आंदोलन चल ही रहा है। अभी सरकार मानती नहीं है और वो ठंड में बेचारे मर रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं। जनता का फर्ज है देश के जो चुनांदे प्रधानमंत्री होते उससे मांगना, और देश का प्रधानमंत्री जनता के लिए होता है, वो उसकी समस्या को समझे। अगर वो समस्या को नहीं समझ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके अंदर निरंकुशता है और ये निरंकुशता अच्छी नहीं होती है, क्योंकि वोटों की राजनीति पे संसार चलता है। इसलिए उनकी समस्या सुननी चाहिए। अगर कोई मांग रहा है तो दो उसको, अगर उनको उसी कानून में खुशी है पहले वाले में तो आपको तो जनता को खुश करना है, उस खुशी के बदले आपको वोट लेना है। तो ये सब ग्रहों की चाल होती है कि राजा के ऊपर इस तरह के ग्रह बैठे हैं। राजा बैठा ही जाकर के इस समय जनता के घर में जाकर के बैठ गया और जनता को अंधा कर दिया है। और पांच ग्रह इस समय आज की डेट में हैं और पांच ग्रहों में से चंद्रमा अस्त है, शनि देव अस्त हैं और बुध, तो ये अभी आगे चल के देवगुरु बृहस्पति हो जाएंगे, तो उथल पुथल तो कहीं ना कहीं होने के योग बनते हैं। इस प्रकार के योग सन 62 में भी बने थे, लेकिन मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा। मैं तो सिर्फ इतना समझाने का मेरा उद्देश्य ये होता है कि अगर देश का राजा जिद में है तो जनता भी जिद में है और उसके परिणाम अच्छे नहीं होते। आज वो राजशाही तो है नहीं कि आप चलाओगे, आज तो डेमोक्रेसी है, आज नहीं तो कल वोटों की राजनीति उथल पुथल कर देती है। ये पूरा विचित्र क्षेत्र है ग्रहों का। तो आज मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये सरकार के अंदर निरंकुशता क्यों है, सरकार क्यों नहीं मान रही है, क्यों जिद के अंदर है, उसके पीछे कुछ राशियों पर प्रभाव है, पूर्ण रूप से कालसर्प योग का प्रभाव है और साथ में पाश्विक योग है। जब पाश्विक योग बनता है तो इस तरह की दिमाग में दोनों तरफ थ्योरी आती है, दिमाग में दोनों तरफ विचार आते हैं। किसान और जो जनता है वो अड़ी हुई है कि नहीं, हमें वही कानून रहने चाहिए। ये इसलिए हो रहा है कि शनि जनता है और पुत्र है और उसके घर में राजा का जाना हुआ, तो ये विरोध हो गया। नहीं तो यहां से शांति हो जाती, जैसे ही संक्रांति आई है आज से शांति हो जानी चाहिए थी, लेकिन हो नहीं पा रही है। अभी होने की संभावना भी नहीं है क्योंकि ग्रहों की चाल अभी कम से कम एक महीने तो ऐसे ही रहने वाली है। अब 10 दिन तो ये बहुत ज़्यादा पीक आवर्स में रहेगी, इसका मतलब जो अगले 10-15 दिन हैं 26 जनवरी तक, ये तो बहुत क्रिटिकल है। ग्रहों की चाल के अनुसार तो कुछ भी हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में सरकार को बहुत सूझबूझ के साथ लेना चाहिए काम। उससे ये रहेगा कि कम से कम आने वाले समय में आपका रास्ता क्लियर होगा। तो आज मैं आपको जानकारी दूंगा ये पाश्विक योग जो बन रहा है इसके दुष्परिणाम जनता के ऊपर क्या होंगे, सरकार के ऊपर क्या होंगे, और जो ये कालसर्प योग बन रहा है कौन कौन सी राशियों को प्रभावित करेगा। अभी मान लो कोई लाठी चार्ज हो जाता है या गोलियां चल जाती हैं तो सभी राशियों वालों पर थोड़ी कालसर्प योग का प्रभाव आएगा, कुछ तो बच के निकल जाएंगे, कुछ गोली के शिकार भी हो सकते हैं। अब कौन कौन सी राशियां हैं उनको सावधान रहने की जरूरत है, उनको फ्रंट फुट पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप लोग जिद पर हैं कि भाई हमें तो बोट क्लब पर ट्रैक्टर लेके ही जाना है। ठीक है, जनता की मांग है, उसको समझना चाहिए राजा को,
राजा अगर नहीं समझता है तो फिर कहीं ना कहीं उसके दुष्परिणाम तो शनि और सूर्य के कारण होंगे ही होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा, मेरा YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत, आप इसको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अब हम बताते हैं वो कौन सी चार राशियां हैं जिन पर ये पार्श्विक योग और कालसर्प योग का पूरा प्रभाव आ रहा है, वो बताते हैं आपको। हमारे पास में इस समय पर राहु केतु का जो प्रभाव चल रहा है, राहु इस समय वृष राशि के अंदर है और वृश्चिक राशि के अंदर केतु चल रहा है, तो ये जो कालसर्प योग है, अनंत राम का कालसर्प योग वृष राशि वालों के लिए बना हुआ है और वृष राशि का जो स्वामी शुक्र है वो स्वयं मृत्यु स्थान में चल रहा है और पापकर्तरी योग के तहत चल रहा है, तो वृष राशि वालों को बहुत सावधानी बरतनी होगी। और वृष राशि वालों के लिए मंगल बारंबार में मंगली योग बना के भी चल रहा है, तो यहीं पर पार्श्विक योग भी बना हुआ है। पार्श्विक योग वो होता है कि जब केंद्र में कोई शुभ ग्रह ना हो, तो वृष राशि वालों के लिए कोई भी शुभ ग्रह केंद्र में नहीं है, वृष राशि का स्वामी स्वयं शुक्र अष्टम भाव में है और राशि के अंदर राहु बैठा है, विवाह स्थान पर केतु बैठा हुआ है, विवाह स्थान का स्वामी मंगल बारह भाव में बैठा हुआ है, बहुत अस्त व्यस्त स्थिति बनी हुई है, चौथे घर में कोई नहीं है, दसम घर में कोई भी नहीं है, तो इस वजह से इसके अंदर शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, पत्नी का कष्ट और कैरियर कष्ट, ये उथल पुथल हो सकता है, इसलिए यहाँ थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। इसमें पन्ना पहन के रखें आप तो कम से कम धन का और संतान का बचाव तो होगा, और यहाँ नीलम भी पहन सकते हैं क्योंकि आपका शनि भी अस्त होकर के चल रहा है, तो उससे भी बचाव किया जा सकता है। और चंद्रमा अस्त होने से बाहर निकल चुके हैं और बुध भी अस्त होने से बाहर निकल गए हैं, तो ये दोनों उदय हो चुके हैं। अगली राशि हमारे पास है सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी सूर्य कुछ छठे भाव में चला गया है, रोग चोट ऋण शत्रु बाधा का घर है, वहां शनि के साथ है, राहु की दृष्टि के अंदर है और पार्श्विक योग बना हुआ है। पार्श्विक योग ऐसे बना हुआ है कि कोई भी आपकी राशि के अंदर कोई ग्रह नहीं है, राशि का स्वामी स्वयं शनि के साथ बैठ गया रोग स्थान पर, चौथे भाव में पापी ग्रह बैठा हुआ है और साथ में राहु बैठा हुआ है दसम भाव के ऊपर, और विवाह स्थान पर कोई भी ग्रह नहीं है, विवाह स्थान का स्वामी शनि स्वयं रोग स्थान पर चला गया है, तो इस हिसाब से यहां पर भी केंद्र में कोई ग्रह ना होने के कारण ये पार्श्विक योग बनता है जो तकलीफ देह है, तो यहां पर भी वृष राशि वालों को पूजा पाठ करा लेनी चाहिए तो उससे काफी रिलीफ आएगा। और कैरियर को मजबूत करने के लिए कम से कम आप एक मूंगा पहन के रखें, इससे माता पिता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और साथ में एक ओपल पहन के रखें तो इससे आपका कैरियर भी थोड़ा सा ठीक हो सकता है। अगली राशि हमारे पास में वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अंदर स्वयं राशि में केतु बैठा हुआ है और ये केतु वृश्चिक राशि में बैठ करके बिल्कुल आग लगाता है, बहुत अच्छा नहीं है, और विवाह स्थान पर राहु बैठा है ये भी बिल्कुल अच्छा नहीं है, चौथा भाव खाली है और कर्म का भाव भी खाली है, राशि का स्वामी छठे भाव में बैठा हुआ है, रोग चोट ऋण के घर में बैठा हुआ है, और यहां पर भी ये जो कालसर्प योग बना हुआ है, ये तक्षक नाम का कालसर्प योग बना हुआ है, ये कालसर्प योग बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जहां भी बचाव करने की जरूरत है तो कालसर्प योग की पूजा कराएं। इस समय जो बच्चे वृश्चिक में पैदा होंगे उनके लिए भी बहुत पॉजिटिव योग नहीं है, तो यहां थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत होगी। अगली राशि है हमारे पास में कुंभ राशि। कुंभ राशि के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर सबसे बड़ी राशि का स्वामी है शनि है, और शनि सूर्य के द्वारा अस्त हो गया है, और शनि जब सूर्य के द्वारा अस्त हो जाए तो फिर समझ लीजिए कि प्रजा अस्त हो रही है यहाँ पर, और प्रजा का अस्त होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, और यहाँ पर राहु की दृष्टि भी है और राहु और शनि का ये नवपंचम योग भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, तो यहाँ कुंभ राशि वालों के लिए भी पार्श्विक योग बना हुआ है, यहाँ पर केंद्र में कोई ग्रह ही नहीं है, राहु चौथे भाव के अंदर बैठा हुआ है और केतु दसम भाव में बैठा है वृश्चिक राशि के अंदर, तो आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव योग नहीं है, तो इस शंखपाद नाम का कालसर्प योग बनता है ये, तो यहाँ थोड़ी सी सावधानी आपको बरतने की जरूरत है, सावधानी बरतेंगे तो इससे आपको काफी लाभ मिलेगा और बहुत अच्छा रहेगा, तो इस कालसर्प योग की शांति कराएं, और साथ में आप का जो राशि का स्वामी है वो अस्त हो गया है तो यहाँ पर आप उसको पहनने से तो थोड़े खर्चे ज़्यादा होंगे, बेटर रहेगा कि आप अपने लकी स्टोन
जो ओपन है आप उसको मजबूत करिए तो निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। तो ये जो कालसर्प योग का प्रभाव और पार्श्विक योग का प्रभाव है ये बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता, इसलिए इसकी शांति कराना बहुत ही जरूरी है। मित्रों ये था पार्श्विक योग और कालसर्प योग का प्रभाव, और जानकारी नहीं लेकर के फिर आएंगे। आप भी जानना चाहते हैं अपनी कुंडली के बारे में, वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, घर बैठे ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अब समय आपसे हाथ लेने का, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। और मुझे संपर्क करने के लिए मैं आपको अपना पता देता हूं, आप इसको नोट कर सकते हैं। दर्शकों अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59, फोन नंबर 0112563-8157, 2563-8168, मोबाइल नंबर 9811-44156, 9212-86090, ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.drhsrawal।